ये देखिए, ये स्कूल भी नहीं गए, दिखाइए उनको, ये स्कूल भी नहीं गए हैं, कॉलेज भी नहीं गए हैं, लेकिन इनको जाति धर्म का पता है। सोचिए, जो लोग जाति बचाने के लिए बेटी की हत्या कर देते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो SC ST भी होता है, मुसलमान भी होता है, वो जनरल भी होता है। एक ही आदमी को आजादी है भारत में, प्रशांत किशोर को, वो BJP को हराने की उसको छूट मिली है। दूसरा, अभी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो है स्टालिन, वो सरकार से दो दो हाथ कर रहे हैं। कांशीराम साहब का पूरा फॉर्मूला BJP अपना रहे हैं, जाति का नेता खड़ा कर रहे हैं, सोशल जस्टिस डे वीकेंड मना रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप को लगता है कि वो धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे, ये AP के मॉडल है, सबको कहा गया गैर। BJP कांग्रेस को समझा दिया गया 2014 में कि आप इसलिए चुनाव हारे कि आप प्रो मुस्लिम दिख रहे थे, एक एंटनी की रिपोर्ट आई। लेकिन जो इनके पास सवर्ण लॉबी है, वो इनको इनकी तारीफ करता है, अखिलेश जी आप आइडियोलॉजी छोड़िए ना, आपके चेहरे पर वोट मिल रहा है, जयंत चौधरी जी आपके चेहरे पर वोट मिला, तेजस्वी जी आप ही सब कुछ है, पार्टी क्या है, आप है तो पार्टी है, सर्वोपरि बना, तो आप मुग्ध करता है वो। और नशा, जो तारीफ का जो नशा होता है ना भाई साहब, वो बहुत। तो लीजिए, गरीबी से उनको असर पड़ा, वही मैं आ रहा हूँ सर। आप जितना सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं, इस देश में यही तो प्रॉब्लम है कि आप रूट नहीं समझ रहे हैं। गरीबी से उनको मुश्किल हो रही है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, जो बिलो द पॉवर्टी है, जो 25,000 से कम दिल्ली में कमा रहा है, उसकी हालत जाके पूछिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो BJP समर्थक है, चाहे वो किसी जाति किसी समाज से आते हैं, उनके लिए वो बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई गरीबी नहीं, पेट्रोल 125 रुपए भी लीटर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी देश में जो हमारा पैसा जा रहा है उसको खर्च कर रहे हैं। एक तबका ऐसा भी है कि उनको कोई असर नहीं पड़ता, आमदनी उनकी भी 25,000 है, लेकिन वो उसको बोल नहीं रहे। आप कभी जाके उनसे बात कीजिए, सवर्ण समाज के उन लोगों से बात कीजिए। देखिये, धर्म एक अफीम है, ये तो मार्क्स ने कह दिया है, धार्मिक वजहों से उनको बहकाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश का जो महंगाई है, मैं टेलीविजन में नौकरी कर चुका हूँ 12 साल, लंबा समय होता है, PTI का टेक आता था कि आज रात में 20 पैसा पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ेगा, और हमारा संपादक दौड़ते हुए आता था, देखो पेट्रोल के दाम बढ़ा, और हम लोग ब्रेकिंग टाइप करने रखते थे, रनडाउन पर मैं बैठता था, एंकर तमाम बुलेटिन तोड़ देते थे, यहाँ तक कि सास बहू वाला जो शो होता था, जो सबसे ज्यादा TRP देता है, उसको भी तोड़ देते थे, और पहली लाइन लिखते थे कि फिर महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम में 20 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल के दाम में 40 पैसे की बढ़ोतरी, और रात 12 बजे से होगी लागू नई कीमत, रात 12 बजे से लागू, और 11 बजे से पेट्रोल पंप पर गाड़ी बाइक कार वालों की लाइन लग जाती है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैंने वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में 14 साल नौकरी की है। सर, इस देश में जो कम्युनिकेशन है, TV अखबार है ना, उसके हाथ में है, मैनेजमेंट की सरकार चल रही है, 5,000 लोग आते थे अन्ना आंदोलन में, सरकार चली गई, अर्णब गोस्वामी तब ईमानदार थे, आज अखिलेश मायावती मुख्यमंत्री हो जाए, सर की पत्रकार ईमानदार हो जाएंगे। उस समय अर्णब गोस्वामी, हम लोग को लगता कि अर्णब गोस्वामी कितना शानदार पत्रकार, वो दबाव में नहीं था कांग्रेस के, तो उस समय लगता था कि ये बढ़िया पत्रकार है सरकार के खिलाफ, लेकिन आज वही सारे पत्रकार इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति है, और वैचारिक सहमति जो होती है ना, वो महंगाई, देश, सबसे बड़ा है। धर्म की जो सहमति है और जाति की जो सहमति है, हम सब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोग अपनी बेटी की हत्या भारत में कब करते हैं, जब वो जाति का बैरियर तोड़ के शादी करने जाती है। सोचिए, जो लोग जाति बचाने के लिए बेटी की हत्या कर देते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो SC ST भी होता है, मुसलमान भी होता है, वो जनरल भी होता है। तो सोचिए कि जाति का किस तरह से, कि वो जेल जाने के लिए तैयार है, नशा है, वो जहर है दिमाग में, जबकि वो गलत चीज है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, 1966 में फ्रांस का एक पत्रकार फ्रेंच में इंदिरा गांधी से पूछ रहा था सवाल कि हमने सुना है कि भारत में एक गांव में 15 जाति और कुछ उपजातियां रहती हैं, और वो आपस में शादी नहीं करते। विनोद कापरी ने ट्वीट किया इसको, विनोद कापरी ने इस मकसद से ट्वीट नहीं किया था, उनकी खबर इस पर नहीं थी, उनकी खबर ये थी कि फ्रेंच बोलती है इंदिरा गांधी। जब मैंने उसका सब टाइटल देखा तो मुझे उसमें जाति दिखी, सवाल वो जाति पर था। तो सोचिए, 1966 में फ्रांस का पत्रकार जाति को लेकर डिस्कोर्स कर रहा है,
और भारत में हम लोग अब जाके शुरू किए हैं। मैं न्यूज चैनल में अकेला, ये देखिए ये स्कूल भी नहीं गए, दिखाइए उनको, ये स्कूल भी नहीं गए हैं, कॉलेज भी नहीं गए हैं, लेकिन इनको जाति धर्म का पता है। इस देश में चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो अपनी जाति और धार्मिक कट्टरता से नहीं निकल के भारतीय नहीं होना चाहता। जाति और धार्मिक कट्टरता जो आप कह रहे हैं, इस पे आपको लगता है कि जो महंगाई की जो हमने जहां से मैं शुरुआत की थी, बता तो उसी पर आ रहा हूँ। महंगाई का असर है लोगों पर। मैंने लोगों से नोटबंदी में बात की है, जीएसटी में बात की है, वो कहते हैं एक तो डर है क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है, कोई धरना प्रदर्शन रैली कर नहीं रहे, सबकी अपनी चुप्पी है। गुजरात मॉडल में एक ही आदमी को आजादी है भारत में, प्रशांत किशोर को, वो बीजेपी को हराने की उसको छूट मिली है। दूसरा अभी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो है स्टालिन, वो सरकार से दो दो हाथ कर रहे हैं, केजरीवाल मतलब नहीं, ये लोग कर नहीं, आपको लग रहा है ये लोग वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। केजरीवाल का आलोचना कर दीजिए, वो भी जेल में डाल दे रहे हैं, ममता का आलोचना कीजिए, वो भी जेल में डाल दे रहे हैं। ये चीज मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के खिलाफ के नाम पर आप भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें। मैं अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के भी खिलाफ हूँ, मैं हर तरह के बुलडोजर के खिलाफ। एक सोशल सिस्टम है, सोशल जुडिशियरी है। शंभू भाई, वर्तमान समय में आप पत्रकारिता कर रहे हैं और बाकी बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, वर्तमान समय में आपको लगता है कि जब विपक्ष जो है मुंह में दही लगाए बैठा हो और सरकार जो है वो अपनी मनमानी कर रही हो, ऐसे में पत्रकारिता करना चाहिए? देखिए एक चीज़ तो है कि ये इसके लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिम्मेदार हैं। जो हमारा सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है वो आइडियोलॉजी को लेकर क्रिस्टल क्लियर नहीं है, बीजेपी आइडियोलॉजी को लेकर क्रिस्टल क्लियर है, वो धर्म की राजनीति ही करेगी उसके लिए। उसी के लिए बने, हाँ, वो बने थे, वो अपने अपने ईमानदारी से सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, मंदिर बनवा रहे हैं, उसको स्कूल कॉलेज नहीं बनवाना है, वो मंदिर बनाएंगे, क्योंकि मंदिर जितना रहेगा उसको उतना वोट ही लेंगे। हमारा जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडरशिप था, चाहे लोहिया हो चाहे कांसीराम साहब हो, कांसीराम साहब का पूरा फॉर्मूला बीजेपी अपना रही है, जाति का नेता खड़ा कर रही है, सोशल जस्टिस डे वीकेंड मना रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लीडरशिप को लगता है कि वो धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे, ये पीके मॉडल है, सबको कहा गया गैर। बीजेपी कांग्रेस को समझा दिया गया 2014 में कि आप इसलिए चुनाव हारे कि आप प्रो मुस्लिम दिख रहे थे, एक एंटनी की रिपोर्ट आई। मैं कई कांग्रेस के नेताओं से इंटरव्यू करता हूँ, वो कन्नी काट जाते हैं। देखिए दरअसल ये है कि जो सेकेंड लीडरशिप जनरेशन लीडरशिप है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, और धर्म के नाम पर जब भी राजनीति होगी बीजेपी को आप नहीं हरा पाएंगे। ओरिजिनल होता है, ऐसा कॉपी होता है, तो वो है। हाँ, SC ST OBC माइनॉरिटी सोशल जस्टिस की अगर बात की जाए, आरक्षण बड़ा मुद्दा है, गरीबी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, स्कूल बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप बगैर लोगों को समझाए, बगैर मान्यवर साहब ने काम किया था, मुलायम सिंह यादव काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ठाकुर ने काम किया था, आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यसभा सांसद बिहार पंजाब से बनाया, 5 के 5 कोई नहीं। अच्छा, तो जो गाय पालेगा वो दूध खाएगा ना, आप लोग आपकी आबादी 20%। देखिए इस देश में सीधा सीधा समझिए, आप लोग नहीं समझते हैं तो आपकी भूल है, मैं जो समझता हूँ एक वोटिंग पैटर्न है, शेड्यूल कास्ट कोई दूध का धुला नहीं है। इस देश में ओबीसी की पार्टी को शेड्यूल कास्ट में वोट नहीं देगा जब तक ये न पता चल जाए कि गठबंधन में है मुसलमानों की पार्टी। इस देश में शेड्यूल कास्ट की पार्टी को ओबीसी वोट नहीं करता है, कहता है शेड्यूल कास्ट की पार्टी जब तक गठबंधन ना हो। आदिवासी की पार्टी भी है, गोंडवाना पार्टी है, कई है, ट्राइबल पार्टी है, उसको भी वोट नहीं करता है SC ST माइनॉरिटी, कहता है आदिवासियों की पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। उसी तरह से पिछड़ों की कई पार्टियां हैं इस देश में, लालू यादव है, सपा है, हाँ, उसको भी सवर्ण वोट नहीं करते, कहते हैं पिछड़ों की पार्टी है। अब वोटिंग होता कैसे उसको समझिए, मुसलमान बीजेपी के अलावा सबको वोट करता है, शेड्यूल कास्ट सबको वोट करता है, पिछड़ा सबको वोट करता है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, सर्वे करवा लीजिए। ठीक, तो अब और 2 लाइन जोड़ दे रहा हूँ उसमें, जिस तरह से मुसलमान धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं करती है,
वो भले बोले रोजी रोजगार का मुद्दा है, उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनको नहीं पता है कि हमारा अधिकार खत्म हो रहा है। वो देते हैं मुसलमान टाइट रहे और हिंदू जो बने हुए हैं, ओबीसी इसीलिए वोट देते हैं बीजेपी को कि मुसलमान टाइट रहे और मुसलमान टाइट रहे और हिंदू धर्म के जो है हिंदुत्व बना रहे। सवर्ण इसलिए वोट देते हैं किसी कीमत पर कि मुसलमान भी टाइट रहे, उनका कास्ट हायरार्की बना रहे, उनको धर्म से लेना देना नहीं, कास्ट हायरार्की जो उनका जातिवाद है वो बना रहे। अब विक्टिम समाज को आपको जगाना पड़ेगा, आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं, तो आप कैसे मैसेज पहुंचाएंगे? आपकी पोलिटिकल लीडरशिप लोग निकल नहीं रहे, कर्पूरी ठाकुर हो चाहे माननीय कांसी राम साहब हो, इन लालू यादव हो, इन लोगों ने मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप सर को पढ़ेगा, नए लोग जो हैं सेकंड लाइन की जो लीडरशिप थी, चाहे मायावती जी हो, चाहे उनके पीछे आ गए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे और चिराग पासवान है, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या जो कॉन्सेप्ट लेकर के जो फर्स्ट लाइन के जो नेता थे वो चले थे उस लाइन से। देखिए दो बातें इसमें, एक तो जो पहले रामविलास पासवान से भी मैंने बात की, उनसे बहुत बार मिला हूँ, शरद जी से अभी भी मिलता रहता हूँ, लालू जी से भी कई बार मिलने का मौका मिला है, सौभाग्य है मेरा, कर्पूरी ठाकुर से नहीं मिल पाया, मानवर साहब को देखा, बहन जी को देखता हूँ, भाषण सुना हूँ बहुत करीब से, इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इन लोग सड़कों पर गए काम किया, लेकिन इन लोगों को लगता था, इनके दिमाग में था कि ये लोग जागरूक थे, लेकिन इनको लगता कि हमारा समाज जागरूक नहीं, हमारी लिटरेसी रेट कम थी, मीडिया इतना भी नहीं था। अभी का जो पोलिटिकल लीडरशिप है, इन सबसे मिला, इनको नहीं पता है कि समाज अब कितना ज़्यादा फर्टाइल हो गया, समाज बहुत जागरूक हो गया है। अब हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के आसपास जो ये सब लोग अच्छे लोग हैं, ये भी तय है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भलाई के लिए जो भी कुछ किया है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं ने ही किया है, उसमें दो नाम छोड़ दीजिए, अर्जुन सिंह और बी पी सिंह, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों लोगों ने किया है, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, संविधान के लिए, इस देश की मजबूती के लिए किया, इन्हीं लोगों ने किया, लेकिन इनके आसपास कुछ लॉबी है, जैसे हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन जो इनके पास सवर्ण लॉबी है वो इनकी तारीफ करता है, अरे अखिलेश जी आप आइडियोलॉजी छोड़िए ना, आपके चेहरे पर वोट मिल रहा है, जयंत चौधरी जी आपके चेहरे पर वोट मिला है, तेजस्वी जी आप ही सब कुछ है, पार्टी क्या है, आप है तो पार्टी है, सर्वोपरि बना, तो आप मुग्ध करता है वो, और नशा जो तारीफ का जो नशा होता है ना भाई साहब वो बहुत, तो ये एक तो वो दिक्कत है, और दूसरा जो सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आता है, पता नहीं सबसे दुश्मनी हो जाए, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो थिंक टैंक है, जो लीडरशिप है वो नहीं है, और हमारे जो लोग हैं उनमें जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके पास धैर्य है, वो नेताओं को सुनते रहते हैं, हमारे जो एडवाइजर भी हैं जैसे मैं ही हूँ, अगर एक दिन मुझे नहीं बुलाएगा तो अगला दिन मैं बगावत कर लूँगा, धैर्य भी नहीं, आपको अपने ही नेताओं की इज्जत करनी पड़ेगी, उनके साथ टिके रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी से सीखने की चीज़ है, खासकर मोदी जी से, मोदी जी 40 साल सड़कों पर घूमे हैं, उनको पता है कि कौन जो ज्यादा, खैर उस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ज्यादा विवादित है, जो ज्यादा एक्टिव है उसको मौका मिलता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टियों में जो लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है कि हमको बचाएंगे कि नहीं, बैकअप होगा कि नहीं, जैसे अभी बग्गा को देखिए, मैं बग्गा के जिस तरीके से गिरफ्तारी उसके खिलाफ, मैं अमन चोपड़ा के भी गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, मैं सरजील इमाम के भी गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, उमर खालिद के भी गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, मैं सिद्दीकी कप्पन की जिस तरह से गिरफ्तारी उसके भी खिलाफ हूँ, इस देश में नियम है, कानून है, चल रहा है। हाँ, लेकिन सोचिए कैसे बीजेपी ने बैकअप किया, दिल्ली पुलिस बीजेपी की हाथ में है, कंट्रोल में है, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस उठाने आई, उठा के ले भी गई, हरियाणा में रोक लिया, फिर पटियाला वहाँ पर एक लोअर कोर्ट ने आदेश दिया, फिर कल रात में हाई कोर्ट खुलवा के और जमानत दिलवा दी गई, तो बीजेपी अपने नेताओं का बैकअप, अपने लोगों का बैकअप करते हैं, मालूम है कि हमें बचाने वाले हैं, हाँ हाँ, हमारे वालों को ही विश्वास है, लेकिन बीजेपी की एक स्ट्रेटजी और समझिए, बीजेपी कभी भी मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी पर हाथ नहीं डालेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा देश खड़ा हो जाएगा, बीजेपी हम जैसे आप जैसे जो कुछ नीचे वाले नीचे के लोग हैं उनको लगता है कि इसको कौन बैकअप करेगा, तो उसको जैसे हमको गिरफ्तार कर लेंगे तो मैसेज चला जाएगा, अरे कि शंभू को गिरफ्तार कर लिया, आप बैठ जाएंगे,
बहन जी की गिरफ्तारी होगी तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा। जयंत चौधरी, मैं फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है, इस देश में सबसे ज्यादा कैडर वोट वाली पार्टियां आरजेडी, सपा, बसपा, आरएलडी, ये सब है। कांग्रेस और बीजेपी के पास अगर कैडर की बात करें तो सवर्ण समाज की टोटल संख्या ही 10-12% है, तो वो पैसे वाली पार्टी है, कैडर वाली पार्टी।